और हमारे खास कार्यक्रम सागर एक्सप्रेस न्यूज का है कि जनता सब जानती है, रात के 11 बजे है और लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि चुनाव जब जो वोट पड़ने की तारीख जो जो नजदीक आती है तो रात दिन को भूगोल बनाया जाता है और लोकतंत्र में रात को गलत बनाया जाता है। तो क्या गलत है कांग्रेस का, क्योंकि वक्त बदलाव का है और यही तकाजा है मध्य प्रदेश में कि 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एंटी इनकम्बेंसी को लेकर काफी परेशान है और उसी का फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इस वक्त हम सागर विधानसभा में है, 28 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन दोनों सियासी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी कहती हमारे साथ अनुभव है, लेकिन कांग्रेस ये दावा करती है और दावा बिल्कुल बहुत जायज और मजबूत है कि उसके साथ यूथ है, युवा है और ये तकदीर और तस्वीर युवा लिखेगा मध्य प्रदेश की, क्योंकि बहुत संख्या में मध्य प्रदेश में युवा है। तो किन मुद्दों को लेके हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नेवी जैन साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप वार्ड में जा रहे हो, पब्लिक से रूबरू हो रहे हो, तो किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में बात कर रहे हो और कितनी बात आपकी स्वीकारी जा रही है? नमस्कार। देखिए, हम जनता के बीच गए और हमारा ऐसा मानना है जनता के अंदर एक परिवर्तन की लहर नजर आती है। जिस विश्वास के साथ उन्होंने पिछली सरकारें बनाई 2-3 पंचवर्षीय में, और उनकी जो इच्छाएं थी कि हमारे सागर को रोजगार मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे सागर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ऐसे तमाम मुद्दों को जब आज वो शहर में निकलते हैं और अपने बढ़ते हुए बच्चों के लिए जब वो पढ़ाई कर बाहर निकलते हैं और रोजगार की तलाश में जाते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। और ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर हमारा प्रयास है कि हम अपने सागर में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ साथ युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार जैसी चीज़ों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमारी इन बातों पर हमें अवसर जरूर देगी। मैं फिर कहता हूं कि सागर की धरती है जहां डॉक्टर हरि सिंह गौर जैसे दानवीर पुरुष हुए हैं, जिनने अपने पूरे पुरुषार्थ को एक विश्वविद्यालय के रूप में दान किया था और सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह गौरवशाली सागर का इतिहास रहा है, लेकिन रोजगार के अवसर न होने की वजह से यहाँ का युवा पलायन करता रहा, कोई इंदौर जाता रहा तो कोई दिल्ली जाता रहा और अपनों से दूर होता रहा। हालांकि फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ लगातार प्रत्याशी हमारे साथ हैं और मैं उनसे एक सवाल जरूर वाजिब हुए कि अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम आपसे आगे हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पर वो कितनी आपसे आगे है? आप वार्डों में जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता के सामने दोनों चीज़ें साफ हैं। पहली चीज़, विगत 10 साल और 15 सालों में आपके वर्तमान सरकार ने और वर्तमान जनप्रतिनिधि ने विकास के कितने मापदंड जो बताए थे वह कितने आपके सामने सागर के लिए दे पाए हैं, कितना विकास सागर के लिए कर पाए हैं। और दूसरी ओर जो हमारा विजन है, जो हमारा विजन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे हमारा विजन युवाओं को रोजगार के लिए लेकर हो, तीन बहुत महत्वपूर्ण अगर हम बातें करें जो जनता को कांग्रेस की तरफ से लुभा सकती हैं, कौन सी बात आप वार्ड में करें? तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर और आम जनता को लेके। देखिए, हमारा तो जो खुद की सोच है हम वो जनता के बीच लेकर जाते हैं और हमारा विजन पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना मेरा ऐसा मानना है कि बड़ी बड़ी कई योजनाएं और कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि यदि हम बेसिक बुनियाद उनको नहीं दे पाएंगे तो सागर आते आते भी वह रुक जाएंगी। जैसा कि वर्तमान में भी कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए जो सागर के लिए सैंक्शन तो हुए किंतु सागर उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो सागर से चूक जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके तत्काल बाद एक अच्छा रोजगार हम किस प्रकार से, चाहे कुछ इंडस्ट्रीज हो या जो सरकारी योजनाएं कुछ ऐसी निकलती हो, जिससे हमारे, अभी आप भी बोल रहे थे कि सागर के युवा पलायन करते हैं, उनको हम किस प्रकार रोक सकें। हमारा तो
कई घरों की परिस्थिति तो हमने ऐसी देखी है कि बड़े कष्ट के साथ माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, अच्छा हायर एजुकेशन देते हैं, इंदौर भोपाल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब वह बड़ी उम्मीद के साथ दिल लगाते हैं कि अब हमारा बच्चा पढ़ के आने वाला है, लेकिन उस दिन वह देखते हैं कि वह बच्चा जब पढ़कर लौटता है और वह सागर में रहना पसंद नहीं करता और माँ बाप को छोड़कर कई बार फिर वापस इंदौर और भोपाल चला जाता है, इतनी दुखदायी घटना उसमें वह होती है। उसका पूरा कारण यदि आज कुछ है तो हमारे सागर में जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे रोजगार के अवसर नहीं है, ऐसी तमाम चीजों के कारण आज ऐसे अवसर पैदा। आखिरी सवाल हम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत उसका बूथ मैनेजमेंट है, कांग्रेस कितना सफल रहेगी बूथ मैनेजमेंट के लिहाज से, क्योंकि वो जीतने का आधार ही है और कहीं ना कहीं ये तंत्र और मंत्र सारे बूथ मैनेजमेंट पर डिपेंड करते हैं। देखिए, बूथ मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी ने विगत कई महीनों से एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ था, बाहर से भी हमारे कुछ अच्छे पर्यवेक्षक लोग आए हुए थे जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और 7-8 महीने से इस पर वर्किंग चल रही थी, और मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम इस बार कांग्रेस ने डेवलप किया है। ये तो रही बात बूथ मैनेजमेंट की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब जनता आशीर्वाद देना चाहती है तो जनता के आशीर्वाद को कोई भी मैनेजमेंट नहीं रोक सकता, जब दिल से आशीर्वाद निकलता है तो अच्छी अच्छी सत्ता है। ये जाहिर बात है, जाहिर बात है, प्रत्याशी का ये कहना है कि जब जनता आशीर्वाद देती है तो फिर कोई मैनेजमेंट काम नहीं करते। तो हमारे साथ नेवी जैन साहब थे और उनने साफ लहजे में कहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से ऊपर जनता का आशीर्वाद है और वो उन्हें मिलता दिख रहा है। तो हम फिर कहते हैं कि जनता सब जानती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।